ये है गांव की लड़की सरिता। सरिता दुर्गा माँ से बहुत प्रेम करती थी। बचपन में उसका माँ गुजर गया था, इसलिए दुर्गा माँ को ये अपनी माँ मानती थी। उसके पापा ने एक तो शादी कर लिया था, जिनके एक बेटी भी थी, उनका नाम थी ममता। वो अपनी बेटी ममता से जितनी प्यार करती थी, उससे भी ज़्यादा वो सरिता से नफरत करती थी। मम्मी, सामने दुर्गा मैया का पूजा आने वाला है, प्लीज़ मुझे एक ही तो कपड़ा दिला कर दीजिए। मैं दुर्गा मैया की पूजा में वो पहनना चाहती हूँ, बस एक तो। ज़्यादा खिचखिच मत कर, घर में फिजूल खर्चा बहुत बढ़ गया है। ऊपर से तेरा ये सब नखरा, कुछ नहीं मिलेगा, जो है उसी में गुजारा कर ले। मम्मी, मेरा कपड़ा तो हो गया, लेकिन मेरा अभी तक शूज नहीं हुआ, आप मुझे शूज कब दिलाओगे? अरे मेरी प्यारी बेटी, ये भी कोई बोलने का बात है? तुम आज ही चलोगे मेरे साथ मार्केट? दुर्गा मैया, आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मेरा दर्द क्यों नहीं समझती, मेरा दुख क्यों नहीं कम करती? आपने तो मेरा माँ को भी छीन लिया मुझसे। क्या हुआ, तुमने ममता के लिए सब कुछ खरीद लिया, लेकिन सरिता के लिए तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, उसका भी हक है। शुरू करिए, आप भी शुरू करिए। आपको पता है घर में फिजूल खर्चा कितना बढ़ गया है, और पूजा तो साल में एक ही बार होती है, और इस बार भी मैं अपनी ममता को कुछ भी ना दूँ, सब कुछ उस सरिता के लिए खरीदूँ। सरिता मेरी बड़ी बेटी है, और पैसा तुमने ही कमाती हो, मैं कमाता हूँ। पापा, मम्मी, आप दोनों मेरे वजह से झगड़ा मत कीजिए। सामने दुर्गा मैया का पूजा आने वाला है, और हम सबको खुश होना चाहिए। मुझे और नया कपड़ा नहीं चाहिए पापा, मेरा जो कपड़ा है मैं उससे ही खुश हूँ। ये लड़की ऐसे करके हर वक्त मुझे नीचा दिखाती है। आज आप फैसला कर ही लीजिए, ये लड़की रहेगी या मैं रहूँगी। सरिता, तुम अपने कमरे में जाओ और मम्मी से भी माफ़ी मांगो। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो मम्मी को कितना बुरा लगा? फिर भी मैं बोलती हूँ सॉरी मम्मी। मेरे वजह से मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, और मैं इधर नहीं रहूँगी। बिना सोचे समझे सरिता ट्रेन पकड़ के एक अनजान शहर आ जाती है, और वो घबरा जाती है, और फिर वो रोने लग गई। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं इस अनजान शहर में भटक गई हूँ, मैं क्या करूँ नहीं करूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, मैं क्या करूँ? हे दुर्गा मैया, मैं क्या करूँ? आप ही मेरी मदद कर सकती है। तुम्हारी दुर्गा मैया ने तुम्हारी बात सुन ली, तुम मेरा साथ चलो। नहीं नहीं, मैं आपके साथ कहाँ जाऊंगी? मेरा है आश्रम है, और वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तुम उन लोगों का साथ रहोगी, पढ़ाई करोगी, और एक दिन एक लायक इंसान बनोगी। वहाँ तुमको तंग करने वाली कोई नहीं रहेगी। सच में? चलिए अंकल, मुझे आपके साथ ही चलना है। आश्रम में सरिता मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों के साथ खेलती थी, मूवी देखती थी, मस्ती करती थी। ऐसे करते करते उसका अच्छा वक्त बीतता गया, और एक दिन वो पुलिस ऑफिसर बन गई। एक रात वो ऑफिस से अपना घर की तरफ आ रही थी। रात की सुनसान सड़क में खड़ी एक लड़की के ऊपर उसकी नज़र पड़ी। क्या बात है, तुम अकेली क्या कर रही हो? मेरी मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे हैं, आप प्लीज़ ढूंढ दीजिए ऑफिसर। अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम मेरे घर चलो, कल सुबह मैं पता कर लूँगी। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तुम यहाँ सेफ नहीं हो, मेरा साथ चलो।
दुर्गा मैया पर भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारा मम्मी पापा मिल जाएंगे। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? कहीं वो भाग तो नहीं गई? सरिता, वो छोटी लड़की और कोई नहीं, मैं ही थी। तुम बचपन से ही बहुत कठिन परिस्थिति में जी हो और हमेशा मुझे याद किया, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुमसे मिलने आ गई। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ सरिता, तुम जिंदगी भर खुश रहोगे, कोई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं सकती। प्रणाम दुर्गा मैया। जय माता दी, जय माता दी।